पटाखों का शोर, फुलझड़ियों का प्रकाश, दीपक की रोशनी के बीच अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सभी को दीपावली का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी को मेरी और जन टीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली का त्योहार हर साल ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे भारतीय त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे सभी त्योहार, चाहे वो होली हो, रक्षाबंधन हो या दिवाली हो, वह कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और यही त्योहार हमारे सुख और हर्षोल्लास का भी प्रतीक है। अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता रोशनी का यह त्योहार हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए जीवन में खुशियां और उमंग से भर देता है। दोस्तों, हम दीपावली क्यों मनाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया था। तभी से दीपों का त्योहार दीपावली मनाया जाता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है, फिर दीपावली पर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? क्यों दीपावली पर मां लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यता के बारे में। दोस्तों, दीपों का पर्व दीपावली भगवान श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में तो मनाया जाता ही है, लेकिन दीपावली बनाने के और भी बहुत से कारण हैं। पर इसका जो प्रमुख कारण है वो है देवी लक्ष्मी जी का प्राकट्य रूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी जी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से अवतरित होकर इसी दिन प्रकट हुई थी। लेकिन जब माँ लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी, तब देवताओं और राक्षसों ने देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा अर्चना से सब जगह धन धान्य समृद्धि सबकी वृद्धि हो चुकी थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हम दीपावली के दिन देवी माँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर उनकी पूजा करते हैं और दीपावली बनाते हैं। दीपावली बनाने का दूसरा प्रमुख कारण जो है वो है भगवान गणेश जी की माँ लक्ष्मी जी के साथ पूजा। दोस्तों, गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना जाता है। इनकी दो पत्नियां रिद्धि सिद्धि और दो पुत्र शुभ और लाभ हैं। वहीं लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और गणेश जी को बुद्धि और विवेक का प्रतीक भी माना जाता है। बिना विवेक के लक्ष्मी जी का शुभ लाभ नहीं हो सकता, इसलिए कहा भी जाता है कि माँ लक्ष्मी जी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह भी है कि दीपावली की शाम को माँ लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की प्रतिमा रख कर दोनों की साथ में पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे देश में दिवाली मनाने के पीछे क्या कारण रहे हैं। दिवाली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का और अपनेपन का। हम आशा करते हैं कि इस दिवाली आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आए, आपकी दिवाली मंगलमय हो। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दोस्तों, एक बार फिर मेरे और जन टीवी की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।